तो नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू कुमार और आप देख रहे हैं BHU पाठशाला। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को किस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, ये आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल से पता लगा लिए होंगे। दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक पर। और उससे पहले आपको बता दूँ कि BHU पाठशाला यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हम लोग की टीम के द्वारा कोई भी अगर वीडियो डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। एवं इस चैनल पर आपको ऑल टाइप्स वीडियो मिलेंगे, चाहे वो टेक, एजुकेशन या किसी और टॉपिक से संबंधित हो, सभी वीडियोज आपको मिलेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल का प्लेलिस्ट या वीडियो लिस्ट आप खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि RRB, NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम का अभी तक तो डेट कंफर्म नहीं हुआ है, यहाँ तक कि उसका एडमिट कार्ड भी कब आने वाला है ये कुछ अभी पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो RRB, NTPC 2019 जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा सेप्टेम्बर के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आज जो है उसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में डिस्कस कर देता हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यानी कि इसमें जो है आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहेंगे यानी गणित के रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अर्थात तर्कशास्त्र के रहेंगे, जिसे आप लोग रीजनिंग कहते हैं, और बाकी के 40 प्रश्न वो आपको जनरल अवेयरनेस रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस के जो 40 प्रश्न है इसमें GS GK और करंट अफेयर तीनों चीज़ आएगा। GS GK यानी कि जो हम लोग यानी कि जैसे साइंस हो गया, इतिहास, भूगोल, नागरिक, जिससे GK और GS का प्रश्न जो बनता है वो हो गया, और करंट अफेयर। हालांकि अभी तो यानी कि दोस्तों ऐसा कंडीशन है कि कोई भी एग्ज़ाम में अभी जो है करंट अफेयर का माहौल थोड़ा बढ़ गया है, जिसको लेकर यानी कि करंट अफेयर जो है किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको बहुत मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि यानी कि आप देख चुके हैं यहाँ कि यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे, जिसमें GK, GS और करंट अफेयर तीनों रहेंगे। और टोटल दोस्तों यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं और आपका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा वो 90 मिनट का होगा, यानी कि डेढ़ घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो PWBD से यानी कि बिलोंग करते हैं, यानी कि जो दिव्यांग से बिलोंग करते हैं, चाहे वो विजुअली हो या हियरिंग हो या किसी प्रकार से वो अगर विकलांग है, तो उनको जो है यानी कि 30 मिनट एक्स्ट्रा यानी कि आधा घंटा और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी कि उसको जो है 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे का समय केवल विकलांगों के लिए है, चाहे वो किसी दृष्टि से हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप नीचे देख सकते हैं मैथमेटिक्स जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, यानी कि मैथमेटिक्स के जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या क्या पूछेगा। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर चैप्टर्स के नाम सभी दिए गए हैं, और आप जो है ये देखिए दोस्तों, ये जो है एकदम ऑफिशियल सिलेबस है जो यानी कि वहाँ पर ऑफिशियल द्वारा यानी कि इसको डाला गया है RRB NTPC के। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि इसमें यानी कि जैसे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये सब दिए गए हैं। तो ये जो है मैथ के चैप्टर हैं। वैसे करके बी आपके कॉलम में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का भी वो सिलेबस दिया गया है जो आपको पढ़ने हैं, और इसी से प्रश्न सारे बनेंगे आपके। तो दोस्तों, इसको यानी कि ध्यान से पढ़े और इसको यानी कि आप देख लीजिए यानी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो जैसे मैं आपको एक दो बता दूँ, एनालॉजी हो गया, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये आपको जो है रीजनिंग के टॉपिक्स सारे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज हो गया, रिलेशनशिप हो गया, दोस्तों यही सब। और दोस्तों, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो यानी कि सबसे पहले बता दूँ कि जनरल अवेयरनेस में आप जो है करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो है ज़्यादा आएगा, और थोड़ा करंट अफेयर आपको डीप पढ़ना होगा। हालांकि अगर आप पिछले एक साल का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, उसमें सही प्रश्न आएंगे, ज़्यादा पीछे से नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी पिछले साल का जैसे एक दो टॉपिक जो हो चर्चा में रहा, जैसे बजट हो गया, फेमस यानी कि जो पर्सनालिटी है, जैसे यानी फेमस व्यक्ति जिनकी इस बार यानी मृत्यु हुई है उनके बारे में भी कोई प्रश्न आ सकता है, ये सब को लेकर के। तो दोस्तों, यानी कि इस सब के बारे में हम डिटेल से कोई एक अलग इंडिविजुअल वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ की जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और जैसा कि यानी कि मैं आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस में आपको बता दिया है कि GK, GS और करंट अफेयर ये सब आएंगे।
दोस्तों तो आज के इस वीडियो का टॉपिक यानी यहीं पर समाप्त होता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी कंप्लेन है या कोई भी क्वेश्चंस है तो वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। एवं यानी कि RRB NTPC ग्रुप डी से संबंधित कोई भी यानी कि अगर आपको प्रॉब्लम क्वेश्चंस कोई भी कमेंट ये सब कुछ हो तो आप कमेंट के सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अलविदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।